ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। बीजेपी को, हर हर नेता को मालूम था कि प्रज्वल रवन्ना मैस रेपिस्ट है, तब भी उन्होंने उसका समर्थन दिया और अलायंस किया। हिंदुस्तान की हर माता बहन से भी माफी मांगनी होगी। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं, वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। और कर्नाटका की हर महिला को मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। बीजेपी को, हर हर नेता को मालूम था कि प्रज्वल रवन्ना मैस रेपिस्ट है, तब भी उन्होंने उसका समर्थन दिया और अलायंस किया। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और बीजेपी के हर नेता को देश की महिलाओं से, माताओं बहनों से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। दुनिया के किसी भी लीडर ने ऐसा काम पहले नहीं किया होगा। पूरे दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। ये बीजेपी की विचारधारा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।